मैं हूँ डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, न्यू ईएनटी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं बात करूँगा एक टॉपिक जिसे बोलते हैं गले की खराश। हर किसी को हुई है, बहुत बार आपको ऐसा होता है कि आपको लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, मेरे गले में कुछ अटक रहा है, मेरे गले में कुछ खराश हो रही है, हर समय कुछ निगलने का मन करता रहता है या थूकने का मन करता रहता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है इसके लिए। आजकल बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, खाने पीने में लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लाइफस्टाइल बहुत इररेगुलर हो गया है, और ऊपर से ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाए तो बिल्कुल जीना दुश्वार हो जाता है। कारणों पे आते हैं तो कई कारण हैं, जैसे कि खाने पीने की बदपरहेजी होना जिससे गला ख़राब हो गया आपका, एसिडिटी होना, एसिड रिफ्लक्स होना, एसिड उछल कर वापस गले में आता है रिफ्लक्स होके, उससे आपके गले में खराश हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप मतलब आपके नाक या साइनसिस का जो भी ड्रिप होता है पीछे गले में गिरता है और जब वो गले में जाता है आपके गले में परसिस्टेंटली खराश करता है। इस वाले केस में आपको और भी सिम्टम मिल सकते हैं, जैसे कि नाक बंद होना, कभी कभी जुखाम हो जाना, या खासकर लेटने पर ही आपको ये प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ये पोस्ट नेजल ड्रिप होने के चांसेस हैं काफ़ी। कमिंग टू द पॉइंट कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा, गले में खराश अगर परसिस्टेंटली हो सकता है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल गया वो हो सकता है कि आपको गले में कुछ और ग्रोथ ना हो रही हो, कोई कैंसर ना हो रहा, वो भी एक रीज़न होता है गले में खराश होने का। गले में फंसा फंसा लग सकता है, खाना अटकने की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है, आवाज़ में चेंज भी आ सकता है, वो भी एक कारण होता है। तो ये छोटे छोटे कारणों के अलावा हमें एक बैकड्रॉप में ये भी लेके चलना पड़ता है बैक ऑफ द माइंड में कि कहीं कुछ और सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कुछ घरेलू उपचार पहले मैं बता देता हूँ आपको जो आप घर पर कर सकते हैं जिससे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गले के हाइजीन का ध्यान रखें, रेगुलर टूथब्रश करें, रेगुलर गार्गल करें, पानी अच्छे से पीते रहें, बार बार पिएं और खूब पानी पिएं। अगर आपको पानी के अलावा जूसेस, सूप, चाय पसंद है वो भी लें, बट उसके साथ पानी की क्वांटिटी अच्छी रखनी है। बहुत लंबे टाइम फास्टिंग ना रहें, थोड़ा थोड़ा बीच में खाते पीते रहें। अगर आपको एसी में बहुत लंबा बैठना हो रहा है तो कोशिश कीजिए ह्यूमिडिफायर लगा के रखें पास में, पेड़ पौधे रखें आसपास, थोड़ा इनसे हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है। घर में अगर फंगस लगी हुई है, पेंट उखड़ रहा है तो उसको तुरंत ट्रीट कर लें, डस्ट को उड़ने ना दें, डस्ट को बैठा के रखें, आसपास घरों की सिंचाई करके रखें, थोड़ा पानी छिड़क के रखें ताकि डस्ट उड़ने ना पाए, गले में इन्फेक्ट ना करने पाए। खांसी, छींक, जुखाम, बुखार अगर कुछ भी हो रहा है तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि गला ठीक बना रहे आपका। स्पेशली अगर आपका बोलने का काम है, कोई ऐसा प्रोफेशन विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्पीकिंग, तो उस केस में आपको स्टीम इनहेलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन में 2 बार 2 से 3 मिनट के लिए भाप ज़रूर लेनी चाहिए। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल वेपो कैप्स आते हैं, उनको काट के डालिए उसमें लिक्विड और उनसे भाप लीजिए, 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट शाम को। सोने से पहले करेंगे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पेय जैसे ग्रीन टी, हर्बल टीज़, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे मील्स बार बार खाने हैं, रात का डिनर एकदम हल्का खाइए, ऑयली स्पाइसी टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबसे बिल्कुल परहेज़ करके चले आप। अचार, जैम, सॉस हैज़ टू बी अवॉइडेड, मैदा हैज़ टू बी अवॉइडेड, पिज़्ज़ा, छोले भटूरे, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर बहुत खाने का मन है, वंस इन अ वाइल सब कुछ ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत खाने का मन है तो प्रेफरेबली आप इनको लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में खाएं, डिनर के टाइम पर इन चीज़ों को आप अवॉइड ही करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, हेल्दी फ्रूट्स का ज़रूर सेवन करें, दिन में 1 या 2 फल ज़रूर खाया करें, एप्पल इज़ द बेस्ट। इसके अलावा सीजनल फ्रूट हमेशा अच्छे होते हैं, जिस सीज़न में जो फ्रूट मिलता है ज़रूर खाने चाहिए, आपके ओरल, फेरेंजियल और इन जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर कोई गले में खराश परसिस्ट कर रही है जो इन सब के बावजूद भी ठीक नहीं होने आ रही है, तब मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा
कि आप किसी नियर बाई ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर साइनसाइटिस हो रही है, अगर हड्डी टेढ़ी है तो उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया जाता है, उसमें कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट दी जाती है, नेजल स्प्रेज दिए जाते हैं जिनसे ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। घरेलू उपचार में आप जलनीति करके देख सकते हैं, नाक में ड्रॉप्स डाल के देख सकते हैं, अगर काम बन गया गुड इनफ, नहीं होता है तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, आपके एक्सरेज कराए जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, नाक और गले की एंडोस्कोपी करके देखी जा सकती है। अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो मेडिकली ठीक किया जा सकता है, कोई एलिमेंट है जो मेडिकली ठीक कर सकते हैं, तो आपको दवाइयों से ठीक किया जाएगा, और अगर कुछ लगता है कि फर्दर कुछ करने की ज़रूरत है, कोई बायोप्सी या टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, तो वो भी उपचार बताया जाता है आपको। ऑल्दो मैं यही कहना चाहूँगा, गले की खराश को इग्नोर ना करें, अगर लाइफस्टाइल से उपजी हुई प्रॉब्लम है तो आप लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको ये लंबे टाइम तक रह सकती है, प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और अगर ये कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो उसका भी इलाज तुरंत करवाएं। थैंक यू।